वेलकम बैक टू माय किचन। आज से नवरात्रे स्टार्ट हैं, तो नवरात्रे स्पेशल रेसिपीज तो बनती हैं, इसीलिए पूरे नवरात्रे मैं रोज आपके साथ नवरात्रे स्पेशल बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान सी रेसिपीज शेयर करूंगी। और आज मैं बना रही हूँ सिंघाड़े के लड्डू। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको नवरात्रि स्पेशल रोज एक रेसिपी की अपडेट मिलती रहेगी। और आपको ये सारे इंग्रेडिएंट्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस रेसिपी। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक पैन ले लें और उसमें डाल दें 2 चम्मच घी। आप यहाँ पे देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या कोई भी अनफ्लेवर्ड ऑयल भी ले सकते हैं। इसमें आप सरसों का तेल बिल्कुल ना यूज करें। और जो है यहाँ पे घी को आप अच्छे से पहले मेल्ट होने दें। सो हमारा घी जो है वो अच्छे से मेल्ट हो चुका है और हल्का सा गर्म हो चुका है। अब एकदम लो फ्लेम पर इसमें आप डाल दें सिंघाड़े का आटा। 1 कप मैं यहाँ पे आटा ले रही हूँ और लो फ्लेम पर आप इसे डाल दें। अब जो है इस आटे को आप घी के साथ मिक्स कर लें और इसे आप तब तक भूनें जब तक कि इसका हल्का सा कलर ना चेंज हो जाए, इसकी खुशबू ना आनी शुरू हो जाए और घी अलग से दिखना ना शुरू। यहाँ पे जो है हमारा जो आटा है वो भुन चुका है, घी भी अलग दिखना शुरू हो गया है। सो मतलब कि ये परफेक्टली हमने इसे रोस्ट कर लिया है। अब आप यहाँ पे एक ऐसा बर्तन ले लें और इसमें डाल दें पानी। इस पूरी रेसिपी के लिए आप सेम कप मेजरमेंट के लिए यूज करें। सो मैंने वही 2 कप पानी डाला है 1 कप आटे के लिए। और इसमें आप 1/2 कप चीनी डाल दें। और यहाँ पे हमने चाशनी नहीं बनानी, बस हमने पानी को तब तक बॉईल करना है जब तक कि जो चीनी है वो अच्छे से घुल ना जाए। तो यहाँ पे जो है चीनी हमारी घुल चुकी है, आप देख सकते हैं। और हमारा यहाँ पे जो आटा है वो भी बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुका है। और अब आप इसे जो है लो फ्लेम पे कर लें और फिर आप उसमें डाल दें पानी जिसे हमने अभी बॉईल किया था। और लगातार चलाते हुए आप इसमें पानी डालें, इससे जो है कम से कम गुठलियाँ बनेंगी और वो बाद में इजीली जो है डिसॉल्व भी हो जाएंगी। सो आप इसमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और पानी डालने के बाद करछी की हेल्प से आप जो है गुठलियों को मिक्स कर लें। और जो है इसने काफ़ी हद तक पानी सोख लिया है। और अब आप इसमें डाल दें 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर, इससे बहुत अच्छी अरोमा आएगी। और ड्राई फ्रूट्स में मैं यहाँ पे बादाम ले रही हूँ, आप काजू और किशमिश भी डाल सकते हैं। और इन्हें भी आप बस 1-2 मिनट के लिए और यहाँ पे लो फ्लेम पर कर लें। हमारा जो मिक्सचर है वो पक चुका है, आप देख सकते हैं। और अब आप जो है फ्लेम को यहाँ पे बंद कर दें और इस मिक्सचर को आप अलग से प्लेट पे निकाल लें। वैसे तो आप इस रेसिपी को एज अ हलवा भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे आपको लड्डू बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट आप इसे लड्डू भी बना सकते हैं। सो इसे आप ठंडा होने दें। और हमारा जो मिक्सचर है वो ठंडा हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और अब इसे जो है आटे की तरह आप 1-2 मिनट के लिए अच्छे से गूंथ लें ताकि ये सॉफ्ट हो जाए मिक्सचर हमारा। तो हमने इसे जो है अच्छे से नीट कर लिया है। जितना अच्छे से नीट करेंगे आपके लड्डू की सफाई से बनेंगे। और अब जो है हम इसमें से छोटे छोटे पोर्शंस लेंगे, वो डिपेंड करता है आप कितने बड़े या छोटे लड्डू बना रहे हैं। और जो है आप इसे अच्छी सी एक राउंड शेप दे दें बिल्कुल लड्डू की तरह। आप इसे बर्फी की शेप भी दे सकते हैं और अपनी पसंद की कोई भी। और अब इसे लड्डू बनाने के बाद आप कोकोनट पाउडर में इसे ऐसे मिक्स कर सकते हैं, इससे जो आपके लड्डू हैं और भी ज़्यादा सुंदर लगेंगे देखने में। सो इसी तरीके से आप ये सारे लड्डू बना के रेडी कर लें और कोकोनट पाउडर में इसे रोल करके और ज़्यादा। और हमारे यहाँ पे जो हैं
सिंघाड़े के लड्डू बनके रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितना आसान है इसे बनाना और 15-20 मिनट में बनके ये रेडी हो जाएंगे। सो इस नवरात्रि आप अपने व्रत में ये सिंघाड़े के लड्डू बना के इसे खा सकते हैं। 1 से 2 या 2 से 3 दिन तक आप इसे रख के यूज कर सकते हैं और इसे आप चाहें तो एज अ हलवा भी बना के खा सकते हैं। ये एक बहुत ही आसान सी रेसिपी है और नवरात्रों में आप इसे फटाफट बना के खा सकते हैं। सो आप इस नवरात्रि इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अब मैं आपसे मिलूंगी कल एक और नवरात्रि स्पेशल रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।